रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 में मोहनिया घाटी में 1004 करोड़ रुपए की लागत से 2.82 किलोमीटर लंबाई की टनल बनाई गई है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इसका लोकार्पण केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। लोकार्पण समारोह मोहनिया टनल के समीप दोपहर आरंभ हुआ। समारोह में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री 2443.89 करोड़ रुपए की लागत की 7 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया है। इनकी कुल लंबाई 204.81 किलोमीटर है। समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, खाद्य मंत्री तथा रीवा जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह, वन मंत्री कुंवर विजय शाह, ग्रामीण विकास एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राम खेलावन पटेल तथा राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग सुरेश धाकड़ उपस्थित रहे। आपको सीधे ले चलते हैं मोहनिया टनल जहां कार्यक्रम चल रहा है। आइए, स्वागत भाई साहब, अभिनंदन आपका ऐतिहासिक काम के लिए। आपको विश्वास हो गया ना मैं यहाँ विधायक हूँ। ये राम खिलावन जी राज्य मंत्री हैं हमारे पंचायत गांव में, इनके तरह नहीं, ये बीजेपी के राज्य हैं। आइए, स्वागत भाई साहब, अभिनंदन आपका ऐतिहासिक काम के लिए। आपको विश्वास हो गया ना मैं यहाँ विधायक हूँ। ये राम खिलावन जी राज्य मंत्री हैं हमारे पंचायत गांव में, इनके तरह नहीं, ये बीजेपी के राज्य हैं।